तो आज की वीडियो में माइथोलॉजी, बेन 10 और पावर रेंजर्स से हट के बात करते हैं रेबल मून की। पर नहीं, ये कोई ट्रेलर रिव्यू नहीं है जो तुमने किसी और के चैनल पे देख लिया होगा ऑलरेडी। तो रेबल मून एक मूवी फ्रेंचाइजी है कोरा नाम की कैरेक्टर पर बेस्ड। तो असल में ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ एक करप्ट गवर्नमेंट का राज है। तो जब एक पीसफुल शांति में रहने वाली फार्मिंग कॉलोनी का जो मून है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेट आता है तो कोरा एक मिशन पे निकल जाती है गैलेक्सी के सबसे अच्छे वॉरियर्स की टीम बनाने, ताकि वो गवर्नमेंट से लड़ सके और वापस से शांति स्थापित कर सके। तो यही बेसिक सा प्लॉट है इस मूवी का, जो हर हीरो की टेल की तरह है। और भाई साहब, ट्रेलर तो था ही बैडास, लेकिन अगर तुम ट्रेलर को ध्यान से देखोगे जो मूवी के कई सारे फ्रेम्स को मिक्स करके बनाया है ताकि कोई प्लॉट ट्विस्ट वगैरह रिवील ना हो, तो तुम देख पाओगे कि स्पेस एपिक के लिए कई मूवीज और फिक्शनल वर्ल्ड इंस्पिरेशन बने हैं। तो सबसे पहले है स्टार वार्स। ये सबसे ऑब्वियस है, हर दूसरे सीन में तुम्हें स्टार वार्स का इफेक्ट दिख ही जाता है। यहाँ तक कि लाइट सेबर्स भी दिखते हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर असल में पहले स्टार वार्स ही बनाना चाहते थे। जैक चाहते थे अपनी एक सोलो स्टार वार्स मूवी, जिसमें वो मूवी इस वर्ल्ड में तो जगह लेती पर वो अपनी कहानी में स्टार वार्स के ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स में से किसी को यूज नहीं करता। यानी कि जैसे पहली गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी थी, वो एमसीयू का पार्ट हो के भी बिल्कुल अलग मूवी लग रही थी। और उसका रीजन था कि जैक अपनी स्टार वार्स को थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहता था, थोड़ा एजी बनाना चाहता था। ऑफ कोर्स उसको परमिशन नहीं मिली होगी, तभी तो आज हम इस एपिक रेबल मून को देख रहे हैं। दूसरी है सेवन समुराई। तो असल में जो ये प्लॉट है कि उनकी पीसफुल कॉलोनी पे अटैक हुआ है और अब कोरा वॉरियर्स की टीम बना रही है इस जगह को डिफेंड करने के लिए। ये इंस्पायर्ड है सेवन समुराई से, और ये चीज ट्रेलर आने से बहुत पहले ही बता दी गई थी, लेकिन ट्रेलर देख के ये कंफर्म भी हो जाता है। थर्ड है वारहैमर। तो तुम्हें याद ही है कि कैसे अपने हेनरी कैविल अमेज़न के साथ मिलकर वारहैमर फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो पोटेंशियल रखती है दुनिया की बेस्ट फ्रेंचाइजी बनने का। I've been involved in the Warhammer world for 40,000 years. 40,000 years. No, well, longer, depending how you look at it. Since I was probably 10. Nice. Yeah, so a long time. तो जो रेबल मून का वर्ल्ड है, यानी इंपीरियम का राज, और जो पूरा विजुअल एस्थेटिक है वो लिटरली वारहैमर से इंस्पायर्ड है। वारहैमर खुद एक डार्क स्पेस एपिक है जिसमें भी गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, स्पेस वॉर शामिल हैं। तो रेबल मून में उससे इंस्पिरेशन लेना परफेक्ट सेंस बनाता है। पर तुम में से अगर कोई वारहैमर फैन है तो हेनरी कैविल की तरह तो तुम जानते ही हो कि ये इंस्पिरेशन बस वर्ल्ड सेटअप में ही दिखेंगी, क्योंकि वारहैमर का वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है अडॉप्ट करने के लिए। और फोर्थ पर माइनर इंस्पिरेशन है क्लासिक हैवी मेटल मूवी से। तो इस मूवी में जो एक्शन, जो डायलॉग्स और जो म्यूजिक का कमाल का तालमेल दिख रहा है ट्रेलर में, वो हैवी मेटल की याद दिलाता है, ऊपर से आर रेटेड डार्क मैच्योर वर्ल्ड भी। तो जी हाँ, अपन लोग कह सकते हैं कि रेबल मून के पास सारे मसाले हैं एक ग्रेट फ्रेंचाइजी बनाने के लिए। और अगर ये हिट होती है तो तुम जानते ही हो कि नेटफ्लिक्स इस पे काफी ज्यादा पैसे लगाएगा, क्योंकि अभी ये मूवी यूजुअल सुपर हीरो मूवी से भी कम बजट में बनी है। पर एक और चीज, ये मूवी कई हद तक 300 की तरह होती दिख रही है, जहां विजुअल तुम्हारी आंखें खुश कर देंगे और एक्शन तुम्हारा दिल। बस कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी मत ढूंढना इसमें, और यही तो सबको चाहिए। 300 अपने टाइम की बेस्ट एक्शन मूवीज में से थी, पर क्योंकि ये मूवी बस स्ट्रीम होगी और कुछ रेयर थिएटर्स को छोड़ के कहीं प्ले नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि इसको लोग पायरेट करके देखेंगे। तो ये ऑब्वियस है कि ये मूवी बिलियन जैसे मार्क तक जाने से रही, पर नेटफ्लिक्स पे अच्छा कंटेंट आए वही रेयर है। अब मैंने इस मूवी की इतनी तारीफ की क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे पसंद आई, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि नेटफ्लिक्स ने पैसे खिलाए हैं। बाकी काश खिला दे, मैं मना थोड़े करूंगा। मेरा मतलब, ऑब्वियसली इस ट्रेलर में अगर हम गड्ढा ही खोदने लगे हैं तो हमें कमियां भी मिल जाएंगी, जैसे आर्मी ऑफ द डेड की तरह ब्लरी कैमरा शॉट्स और ओवर यूज ऑफ स्लो मोशन, जो एक टाइम के बाद बुरा लगने लग जाता है। पर ये सब बातें छोड़ के अभी के लिए तो एक फन मूवी आ रही है ग्रेट विजुअल एक्शन क्रिएटर से, तो बस मूवी को मिस मत करना। और अगर तुम्हें इस मूवी में और भी किसी फिक्शनल प्रोजेक्ट से सिमिलैरिटीज दिख रही है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।